पार्टियों को हम इस वक्त देख सकते हैं जिन्होंने चुनाव में अहम भूमिका निभाई है। इन विधायकों को लखनऊ तक इस सभा तक ले आने में जिन्होंने एक मंत्र दिया है और प्रचार प्रसार किया है और अब उसका फल फलीभूत होकर के इनकी आंखों के सामने है और अब इसी दल का नेता चुना जाना है। देखिए डिप्टी सीएम दिखाई दे रहे हैं, इसके साथ ही एक औपचारिक मुहर लगनी बाकी है जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम और उस पर एक सहमति, ये औपचारिकता, इसके साथ विधायक दल की बैठक में ये तय हो जाएगा कि विधायक दल का नेता कौन है। ये ओपन सीक्रेट है, हर किसी को पता है, बस औपचारिकताएं हैं जिसकी पूर्ण जिसे पूरा किया ही जाना होता है और उसी की ये बड़ी तस्वीर है इस वक्त एबीपी गंगा की स्क्रीन पर। देखिए किस तरीके से तमाम वो नीति नियंता जिन्होंने चुनाव प्रचार की कमान थामी और इस सपने को साकार किया और उसी के फल को देख रहे हैं आप। विधायक दल की ये बैठक है, यहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ को दोबारा कमान सौंपे जाने की जो औपचारिकता है वो पूरी होगी। देखिए अब सभी खड़े हो चुके हैं, तो देखिए तमाम फॉर्मेलिटीज इसके बाद ही ये बैठक शुरुआत होगी। दीप प्रज्वलन के साथ इस विधायक दल की बैठक की शुरुआत होगी। हर एक कार्यक्रम की शुरुआत शुभ काम से होती है और एक दीप जला करके होती है, इसकी रोशनी प्रतीक होता है सकारात्मकता का। तो इस बड़ी बैठक की शुरुआत भी इसी परंपरा के निर्वहन के साथ होती दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं दीप प्रज्वलित करने के साथ इस बैठक का आगाज होगा, एक बड़ी बैठक। ये वो तमाम नीति नियंता है जिन्होंने उत्तर प्रदेश चुनाव के प्रचार की और हर एक कड़ी की अहम भूमिका निभाई है उनको जोड़ करके इस बड़े स्वरूप में ले आने के लिए। और आज जब विधायक दल के बैठक के नेता के तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम शुरू होना है, औपचारिकताएं शुरू होती दिखाई दे रही हैं। और अब हम चलते हैं वीरेश के पास क्योंकि वो लोक भवन के भीतर अब मौजूद हैं। तो वीरेश तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि दीप प्रज्वलित करके शुभ काम की शुरुआत की जाती है, जो औपचारिकताएं हैं वो निभाई जा रही हैं। निश्चित रूप से जो औपचारिकताएं हैं वो निभाई जाती हैं और ये औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री के ऐलान का भी वक्त है। इससे पहले योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनना है, ये तय हो चुका है। जब तय हो चुका है तो प्रस्ताव केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री, पार्टी के वरिष्ठ नेता और योगी वन सरकार के सबसे वरिष्ठ मंत्री के तौर पर वो पार्टी के अंदर यहाँ पर विधानमंडल दल की बैठक में, ये जो दरवाजा है सभागार जिसमें लिखा है, ये बहुत बड़ा सभागार है, मैंने आज से 4 घंटे पहले अभी दिखाया है। और ये जो पांडे है ना, राकेश कुमार पांडे जी, ये हमें अंदर नहीं जाने देंगे, अंदर जाने देंगे नहीं जाने देंगे, इनकी मजबूरी है क्योंकि विधानमंडल दल की बैठक हो रही है और हमारी मजबूरी है कि इनके अनुशासन को हमें पालन करना है, इसलिए हम अंदर नहीं जा सकते, लेकिन आपके पास आएंगे, आपका रुख करेंगे। समझी हुई फिलहाल ये बड़ी तस्वीर। तो बिल्कुल अब देखिए ये औपचारिक शुरुआत इस बैठक की दीप प्रज्वलित हो चुका है और विधायक दल की बैठक इस बड़े मंच पर आप देख सकते हैं तमाम पदाधिकारियों को, पर्यवेक्षक सह पर्यवेक्षक, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद हैं, धर्मेंद्र प्रधान मौजूद हैं, राधा मोहन दास मौजूद हैं। और अब इस बड़ी बैठक की शुरुआत हो चुकी है, विधायक दल की ये बैठक है, एक औपचारिकता है जहां पर तमाम विधायकों की सहमति पर मुहर लगती है, सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम पर मुहर लगती है। इसके बाद राजभवन में जाके पेश करेंगे सरकार बनाने का ये पूरा प्रस्ताव, ये एक प्रक्रिया है और इसी प्रक्रिया के साथ हमने आपको लगातार कैसे दिखाया ये सारी चीजें शुरू होती हैं। तमाम समर्थकों का हुजूम लखनऊ में इस वक्त उमड़ा पड़ा है, उनका जोश